हेलो एवरीवन वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म तो ये पर्टिकुलर लेक्चर में अपन फ्लोरोसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर दैट इज थ्रेड को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले ठीक है तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अपना यूट्यूब का चैनल भी है जिसका नाम है फेस द टेस्ट लाइफ साइंस ठीक है तो ये यूट्यूब चैनल आपको सर्च करना है और आपको ये चैनल ज्वाइन कर लेना है ठीक है मैंने बहुत अच्छे वीडियोस इसके ऊपर अपलोड करके रख दिए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डीबीटी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कौन से रेफरेंस बुक्स रेफ़र करने चाहिए फॉर विच सब्जेक्ट्स कितना डेप्थ में आपको रेफरेंस बुक्स पढ़ना है और नोट्स किस तरीके से आपको कॉम्पैक्ट मैनर में बनाने हैं ठीक है थीके? ऐसे नोट्स बनाने हैं कि जो कॉम्पैक्ट हो और सारे के सारे पॉइंट्स उसमें आ जाए ठीक है तो ये अच्छे अच्छे लेक्चर्स मैंने उस पर अपलोड करके रख दिए हैं और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की सीरीज बहुत अच्छे से मैंने उस पर कवर की है ठीक है तो आप वो देख सकते हो एंड वी ऑल्सो हैव टू टेलीग्राम ग्रुप्स सो दिस इज़ आवर टेलीग्राम ग्रुप आई जैसे आपकी इंस्टाग्राम की आई होती है तो ये आपको ऐसा का ऐसा एग्जैक्टली exactly सर्च करना है ऑन टेलीग्राम एंड देन आपके सामने ये वाला क्विज वाला ग्रुप ओपन हो जाएगा जिसपे मोर देन थ्री थाउजेंड प्रीमियम क्वालिटी के क्विज क्वेश्चन एकदम फ्री है तो आप वो आज ही ज्वाइन करके आपके कन्वीनियंट के हिसाब से या फिर आपके टाइम के हिसाब से आप वो सॉल्व कर सकते हो बहुत फ़ायदा होने वाला है और स्टडी मटेरियल भी मैं उस पर अपलोड करते रहता हूँ ट्रिक्स एंड टिप्स रिगार्डिंग हाउ टू क्रैक लाइफ साइंस एग्जाम्स एंड ऑल द इम्पोर्ट अपडेट्स अबाउट अपकमिंग लाइफ साइंस एग्जाम्स ये सब उसके अंदर अवेलेबल है ठीक है और ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है ये क्वेश्चन ऐसे है कि जिस ये क्वेश्चन में से एक्चुअली रियल एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं इस बार महाराष्ट्र सेट लाइफ साइंस में ये क्वेश्चन में से ही 30 से 40 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल DBT के एग्जाम में भी 20 से 30 exactly वैसे क्वेश्चन वैसे आए हुए हैं ठीक है नेट में भी पूछा जाते हैं तो आपको यह क्वेश्चन से फायदा होगा बहुत अच्छे क्वालिटी के मैंने वो डिजाइन किए हैं और अपना डाउट डिस्कशन ग्रुप भी है तो आपको ये exactly एग्जैक्टली ऐसा अपना ग्रुप का आईडी टेलीग्राम ऐप के ऊपर सर्च करना है आपके सामने डाउट डिस्कशन वाला ग्रुप ओपन हो जाएगा जहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे के डाउट डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं ठीक है थीके? इससे क्या होगा आपके जो कंसेप्ट हो गए वो और शार्पन अप हो जाएंगे और आप अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन एकदम कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओगे ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें मोर देन वन ऑप्शन या टू ऑप्शन आपको सही लगते हैं तो ये अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो ये अभी नहीं होगी अगर आप रेगुलरली डाउट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे और ये तो इंटरली फ्री है ठीक है अपने कोर्सेज़ भी है एंड्रॉयड ऐप के ऊपर ठीक है जो सिर्फ फाइव हंड्रेड रुपीज़ में मैंने लॉन्च किए हैं अभी के लिए और मोर देन वन नाइन्टी प्लस स्टूडेंट्स हैव जॉइन और उनको अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं ठीक है थीके? तो जो लोग बार बार सिर्फ एल एस कर रहे थे जैसे और कोई कोई लोग दस या पंद्रह मार्क्स के शॉर्टेज से उनको जे नहीं मिल रहा था तो जेनेटिक्स एंड टेक्निक्स का कोर्स मैंने लॉन्च किया था जिसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो उनके मार्क्स बूस्ट हो गए तीस से चालीस मार्क्स बूस्ट हो गए और उनको सिर्फ जे आर एफ ही नहीं उनको रैंक भी अच्छी मिली है ठीक है फिफ्टी सिक्सटी ऐसी रैंक मिली है तो आप वो कोर्सेज भी ज्वाइन जौ, कर सकते हो डेमो डेमोलेक्चर्स देख सकते हो एंड्रॉयड ऐप के ऊपर ये सब की लिंक्स मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल अगर वो भी नहीं मिला तो आप कमेंट कर सकते हो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा लिंक ठीक है तो ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है कि जहां से जस्ट मिनट तो ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है कि जहां से कंसेप्शुअल क्वेश्चंस आते हैं ठीक है पार्ट सी नेट में बहुत बार आपको देखने को मिले होंगे ठीक है एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम ये सबके क्वेश्चन आते हैं और फिर वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको कंसेप्ट लगा के सॉल्व करना होता है बहुत ही ईजी है सो इन दिस पर्टिकुलर टेक्निक डेट इज फ्रेड एक्साइटेड डोनर मॉलिक्यूल विल ट्रांसफर द एनर्जी नॉट एन इलेक्ट्रॉन टू द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल होगा वो क्या ट्रांसफर करेगा वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेगा ठीक है क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में अपन को पता है कि जब कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है तो वो तो यही चाहेगा कि अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करके रहे ठीक है तो वो जो एक्सेस एनर्जी होती है वो जो एक्सेस एनर्जी होती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो दे देता है लेकिन ये वाले फिनोमिनन में क्या होगा ये जो डोनर मोलिक्यूल अगर एक्साइट हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एक्सेस एनर्जी को लिबरेट नहीं करेगा इट इट विल जस्ट ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम डोनर मॉलिक्यूल टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल तो डोनर मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ फिर वो अनस्टेबल हो गया फिर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए उसने एनर्जी रिलीज की उसके नेबरिंग में कौन प्रेजेंट होगा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ने क्या किया वो एनर्जी को एक्सेप्ट किया ठीक है और इसने क्या किया डोनर मॉलिक्यूल ने एनर्जी को लिबरेट किया और ये स्टेबिलिटी मेंटेन कर गया ठीक है तो ये प्रोसेस होता है फ्रेट के अंदर तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इट इज़ हाईली डिस्टेंस डिपेंडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ठीक है डिस्टेंस डिपेंडेंट ये आने वाले स्लाइड्स में आपको विथ फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया है ठीक है फ्रेट इज नॉन रेडियो सॉरी नॉन रेडिएटिव इसका मतलब क्या है नॉर्मली आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हो वाइल्ड स्टडिंग फोटो कौन सा है वो फोटोफॉस्फराइलेसन तो आपने साइक्लिक साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पाथवे तो पढ़े ही होंगे, ठीक है तो उसमें क्या होता है जो लाइट होती है तो वो लाइट एक्साइट करती है ठीक है तो यहाँ पे लाइट एक्साइट नहीं करेगी यहां पे एक्साइटेशन इज नॉट मीडिएटेड बाय फोटो यहाँ पे एक तो लेजर बीम का ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू द एक्साइटेशन वेवलेंथ ठीक है और फिर आगे की चीज़ें चलेगी एमिशन स्पेक्ट्राइनऑल ठीक है तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो एक्साइटेशन या फिर हम डोनर मॉलिक्यूल को अगर एक्साइट करेंगे तो वो लाइट की मदद से या फिर फोटोन की मदद से हम नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम करस्पोंडिंग टू द एक्साइटेशन वेवलेंथ हम उसको एक्साइट करते हैं ठीक है डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन डोनर एक्सेप्टर पेयर ये भी आपको आने वाले स्लाइड में समझेगा शुड बी क्लोज टू इच अदर फॉर द फ्रेड टू अगर तो डोनर और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो होने चाहिए वो एकदम क्लोज अप्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए तभी ये टेक्निक कंडक्ट uh, हो सकती है या फिर सक्सेसफुल हो सकती है ठीक है so, तो इसलिए मैंने ये फर्स्ट पॉइंट लिखा था एब्जॉर्बेशन और एक्सेशन स्पेक्टर ऑफ द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल शुड ओवरलैप विद द एमिशन स्पेक्टर ऑफ द डोनर मॉलिक्यूल द डिग्री ऑफ ओवरलैप इज रेफर टू अ स्पेक्ट्रल ओवरलैप इंटीग्रल ये भी आने वाले स्लाइड में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है ठीक है तो ये ये बता रहा है कि अगर ये डोनर मॉलिक्यूल होगा और इसका एक्साइटेशन वेवलेंथ अगर मान लो 540 नैनोमीटर होगा तो आपने लेजर बीम डाला 540 नैनोमीटर का डोनर मॉलिक्यूल क्या हो गया एक्साइट हो गया एक्साइट होने के बाद ये क्या करेगा ये वही करेगा कि ये जो एक्सेस एनर्जी है वो लिबरेट कर दे ठीक है तो एक्सेस एनर्जी को लिबरेट करने के बाद वो क्या करेगा एमिशन स्पेक्ट्रा दिखाएगा एमिशन स्पेक्ट्रा एक करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का होगा जो कि 540 फोर्टी नैनोमीटर से ज्यादा होगा ठीक है क्योंकि जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी तो ये इसने क्या किया डोनर मॉलिक्यूल ने एक्सेस एनर्जी को लिबरेट कर दिया इसकी एनर्जी क्या हो गई कम हो गई तो एमिशन वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए ठीक है तो फाइव नैनोमीटर था एक्साइटेशन वेवलेंथ एमिशन वेवलेंथ उससे ज्यादा हो जाएगा मान लो फाइव नैनोमीटर ठीक है फिर ये डोनर मॉलिक्यूल के अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हुआ और उसका एक्साइटेशन वेवलेंथ अगर 500 या फिर फाइव एटीन एनोमीटर हुआ तो इसका या फिर डोनर मॉलिक्यूल का एमिशन वेवलेंथ एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन वेवलेंथ ये क्या कर रहा है ओवरलैप कर रहा है ठीक है तो ये पॉइंट में यही एक्सप्लेन किया है ठीक है कि एक्साइटेशन वेवलेंथ ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल शुड ओवरलैप विद द एमिशियन वेबलैंथ ऑफ डोनर मॉलिक्यूल ठीक है और वो डिग्री ऑफ ओवरलैप को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोवरलैप इंटीग्रल ठीक है integral, तो यह ऐसे भी आपको स्लाइड में अच्छे से समझ में आने वाला है मोर द ओवरलैप मोर इज द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ठीक है यह पॉइंट भी ध्यान में रखना है और मोर दैप अगर ओवरलैप ज्यादा हुआ तो जो एनर्जी ट्रांसफर होगी डोनर डोनर से तो डोनर टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वो भी ज्यादा होगी इफ़ देयर इज ओवरलैप दिस मीन्स दैट एनर्जी लॉस फ्रॉम द एक्साइटेड डोनर मॉलिक्यूल कुड एक्साइट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एंड दिस मैचिंग इज नोन एज रेजोनेंस फिनोमिना इसलिए तो इसका नाम क्या है फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर ठीक है तो वो जो एनर्जी है जो एक्साइटेड वाला डोनर मॉलिक्यूल लिबरेट कर रहा है वो किसने एक्सेप्ट की वो एक्सेप्ट accept की एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ने ठीक है और वो जो एनर्जी थी इट वॉज सफिशियंट टू एक्साइट द नेबरिंग एक्सेप्टर मॉलिक्यूल तो वो जो एनर्जी मैचिंग है उसको ये तो नाम क्या है दिया है रेजोनेंस फिलोमिन ठीक है एप्लीकेशंस क्या है इसके ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डीबी में सी एस आर के पार्ट बी के क्वेश्चन में ठीक है कभी कभी पार्ट सी में भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी यूज टू स्टडी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन ठीक है तो आपको वो ऑप्शन दे देंगे कि हाइब्रिड सिस्टम पी सी आर एक्सेट्रा फ्रेट एक्सेट्रा ठीक है बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन टू स्टडी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इन अ लिविंग सेल तो ये लिविंग सेल को ध्यान में रखा ठीक है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं ये आने वाले स्लाइड्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया है टू असेस न्यूक्लिक एसिड अनिलिंग ठीक है तो ये क्या हो गया चलो स्लाइड गलती से थैंक यू वाली आ गई पहले ठीक है तो अभी हम इसको ध्यान से समझेंगे एक्सटेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फॉर अ डोनर एक्सेप्टर पेयर फॉर्मूला तो डोनर मॉलिक्यूल जो एनर्जी को लिबरेट कर रहा है एक्सेस एनर्जी को तो वो कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है टू द नेबरिंग एक्सेप्टर मॉलिक्यूल तो ये कौन से फॉर्मूला से हम पता लगा सकते हैं ये वाले फॉर्मूला से ठीक है ई क्या है एक्सटेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर डोनर ट्रांसफर से डोनर मॉलिक्यूल से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कितना एक्सटेंट है एनर्जी ट्रांसफर का वो रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय लेटर कैपिटल कैपिटल आर जीरो उसको क्या बोलते हैं फॉरस्टर्स रेडियस इट इज़ द डिस्टेंस एट विच एफिशंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज फिफ्टी परसेंट तो अगर ये डोनर मॉलिक्यूल है और ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल मान लो ये इतना दस नैनोमीटर का डिफरेंस है डिस्टेंस है ठीक है तो ये दस नैनोमीटर के डिस्टेंस में या फिर उसको अगर समझना है आपको तो मैं ऐसा समझा देता हूँ ये डोनर मॉलिक्यूल है ठीक है ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है ठीक है ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ताकि एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर 50 परसेंट हो तो इसको हम बोलते हैं फॉर्चर्स रेडियस ठीक है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर ज़ीरो से ठीक है तो ये डोनर है डोनर मॉलिक्यूल है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है कि डोनर मॉलिक्यूल से 50 परसेंट ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी हो ठीक है तो वो डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोर्स्टर्स रेडियस ठीक है स्मॉलर क्या है डिस्टेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर तो सिर्फ डोनर एंड एक्सेप्टर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल आर होगा और कैपिटल आर जीरो वो डिस्टेंस होगा कि डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी होगी वो 50 परसेंट होगी ठीक है तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में ओके तो एक्सटेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अगर आपको पता करवाना है सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला की कैपिटल इज इक्वल टू आर जीरो रेस टू सिक्स डिवाइडेड बाई आर जीरो रेस टू सिक्स प्लस आर रेस टू सिक्स ठीक है इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया पूरे चांसेस है कि अपकमिंग एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते डायरेक्ट न्यूमोरिकल तो ये फॉर्मूला आप रट के रख दो क्योंकि ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक है सारे टाइप के क्वेश्चन कॉम्बिनेशन उन्होंने ऑलरेडी बच्चों को दे के रख दिए है तो वो तो यही चाहिए कि नए नए क्वेश्चन बन सके तो ये एज इट इज ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्या करेंगे वो दो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस को दिखाएंगे केस वन केस टू ठीक है और फिर वो आपको बताएंगे कि ये दोनों में से एक्सटेंट ऑफ ट्रांसफर एफिशिएंसी किसका ज्यादा है ठीक है केस वन का ज्यादा है केस टू का ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा ये रेडियस एंड ऑल इसकी वैल्यू डाल के आपको केस वन के लिए एक्सटेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर निकालना पड़ेगा केस टू के लिए भी एक्सटेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर निकलना पड़ेगा और फिर आप पता करवा सकते हो कि केस वन में ज्यादा है या केस टू में एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी ज्यादा है इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है तो ये ग्राफ है यहां से आप कंसेप्चुअली इसको समझ सकते हैं एक्स एक्सिस पे क्या है डिस्टेंस बिटवीन डोनर मॉलिक्यूल एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन नैनोमीटर ठीक है वाई एक्सिस पे क्या है एनर्जी ट्रांसफर एफिशियंसी तो आप यहां से देख सकते हो कि अगर डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस हुआ या नेग्लिजिबल डिस्टेंस हुआ तो एनर्जी ट्रांसफ़र कितनी होगी डोनर मॉलिक्यूल से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास हंड्रेड परसेंट ठीक है फिर डिस्टेंस और बढ़ाया फिर डिस्टेंस और बढ़ाया तो अगर डिस्टेंस ये जो वैल्यूज़ है ये बस समझने के लिए है ठीक है तो ये चेंज हो सकते हैं तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि आर ज़ीरो क्या है हमने डिस्टेंस बढ़ाया बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल तो यहाँ पे जब डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के बीच में चार नैनोमीटर का डिफरेंस होता है तो ये वो डिस्टेंस है कि जब डोनर मॉलिक्यूल और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के बीच में चार नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है तो एनर्जी जो डोनर मॉलिक्यूल से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास जा रही है उसकी ट्रांसफर एफिशिएंसी होगी सिर्फ 50 परसेंट तो ये वो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर जीरो ठीक है 50 परसेंट ट्रांसफर एफिशिएंसी, या फिर एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी, अभी आपको ये समझ में आया होगा हमने डोनर मॉलिक्यूल एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस और बढ़ाया तो फिफ्टी परसेंट एनर्जी से अभी क्या होगा अभी कम एनर्जी ट्रांसफर होगी जाहिर सी बात है लॉजिकली ये सब बहुत डिस्टेंस ज्यादा बढ़ाया तो जीरो हो जाएगा ठीक है तो आपको अभी फर्स्ट स्लाइड का फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि फ्रेट फिनल इज डिस्टेंस सेंसिटिव ठीक है या फिर इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट ठीक है तो ये बहुत ही इजी है नेक्स्ट तो ये अच्छा सा डायग्राम मैंने बनाया है ठीक है तो यहां पे आप समझ सकते हो कि अभी ये डोनर मॉलिक्यूल है ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल डोनर मॉलिक्यूल में प्रोटीन ए के साथ किसको लिंक किया है ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन को एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में प्रोटीन बी को किसके साथ लिंक किया है येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन के साथ ठीक है ये दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी कितना है 10 नैनोमीटर से ज़्यादा है आर क्या है आर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल अभी के लिए वो 10 नैनोमीटर से ज़्यादा है ठीक है तो डिस्टेंस ये ज़्यादा होता है मतलब ये केस में डिस्टेंस ज़्यादा है ठीक है डोनर मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन वेवलेंथ यहाँ पे हमने ब्लू लिया है ठीक है, है और उसका एमिशन वेवलेंथ जो होगा वो ग्रीन होगा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में जो एक्साइटेशन वेवलेंट है वो वॉयलेट है और उसका एमिशन वेवलेंथ जो है वो येलो है ठीक है तो डोनर मॉलिक्यूल को हमने लेजर बीम लाइट दिया ऑफ ब्लू मतलब ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ अपन ने यूज किया टू एक्साइट डोनर मॉलिक्यूल विथ लेजर बीम ये मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया अनस्टेबल हो गया तो अभी डोनर मॉलिक्यूल तो यही चाहेगा कि अपनी जो एक्सेस एनर्जी है वो लिबरेट कर दे ठीक है उसने एनर्जी को लिबरेट किया तो इसकी एनर्जी अभी कम हो गई एनर्जी जब कम होती है तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है ठीक है ये आपको पता ही होगा ठीक है एक एनर्जी अगर कम हुई तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है ठीक है इसने एक, एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेट किया तो अगर इसकी एक, आ, इसकी एनर्जी अभी कम हो गई इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ अभी ज़्यादा होगी तो पहले अगर हमने मान लो 540 नैनोमीटर की यहाँ पे वेवलेंथ दी तो अभी वो जो एमिट करेगा वो 540 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा ठीक है ध्यान रखने वाली बात यह है वेवलेंथ एंड एन एनर्जी इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ अगर बढ़ी तो एनर्जी डिक्रीज वेवलेंथ कम हुई तो एनर्जी ज्यादा ठीक है तो वही मैंने यहां पे लिखा है कि फॉर डोनर मॉलिक्यूल इन दिस केस एक्साइटेशन वेवलेंथ इज करस्पॉन्स टू ब्लू लाइट वेर एज एमिशन वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू ग्रीन लाइट ठीक है फॉर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एक्साइटेशन करस्पॉन्ड टू वॉयलेट लाइट एंड द एमिशन वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू येलो लाइट ठीक है अभी नीचे वाला केस देखो यहां पे डोनर मॉलिक्यूल एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज़ लेसर देन टेन नैनोमीटर ठीक है तो ये प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी ये क्या हो गया पास पास आ गए ठीक है तो अभी क्या होगा आपने लेजर बीम से इसको त, आ, या फिर लेजर बीम वाली ब्लू कलर की लाइट दी या फिर ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होगा वो लाइट दी डोनर मॉलिक्यूल ने उसको एक्सेप्ट किया ठीक है क्योंकि डोनर मॉलिक्यूल और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल अभी पास पास है ठीक है तो डोनर मॉलिक्यूल क्या करेगा डोनर मॉलिक्यूल विल ट्रांसफर द एनर्जी टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्योंकि ये पास पास है इसलिए ट्रांसफर पॉसिबल है यहां पे दूर दूर थे इसलिए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पॉसिबल नहीं थी तो ये पास पास है ठीक है तो डोनर मॉलिक्यूल ने क्या किया एक्सेस एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ठीक है तो जब फ्रेड फिनोमिनन होगा आपने दी ब्लू लाइट साइंटिस्ट को मिली येलो लाइट इससे क्या पता चलेगा साइंटिस्ट को इससे यह पता चलेगा कि प्रोटीन ए और प्रोटीन बी का इंटरेक्शन हो रहा है केस वन में ब्लू लाइट दिया साइंटिस्ट ने साइंटिस्ट को मिला ग्रीन लाइट साइंटिस्ट को पता था कि इसका एमिशन वेवलेंट क्या है ग्रीन लाइट के है. तो साइंटिस्ट ने ब्लू लाइट दिया एक्साइटेशन वेवलेंट उसको मिला ग्रीन लाइट उसको पता चल गया कि डोनर मॉलिक्यूल है वो किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे ठीक है सिमिलरली यहाँ पे उसने वॉयलेट लाइट दिया और उसको मिला येलो लाइट साइंटिस्ट को पता लग गया कि प्रोटीन बी भी, भी किसके साथ इंटरएक्ट नहीं कर रहा है तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि फ्रेड uh, फिनोमिन तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है तो उसने क्या किया एक एक नैनोमीटर से वो कम करते गया अपना रेडियस या फिर डिस्टेंस बिटवीन डोनर मॉलिक्यूल एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल फिर साइंटिस्ट ने 10 नैनोमीटर से जब कम किया तो साइंटिस्ट को पता चला कि हमने ब्लू लाइट दिया यहाँ पे और हमको सीधा येलो लाइट मिल रहा है मतलब इसका एमिशन वेवलन का लाइट हमको मिल रहा है तो साइंटिस्ट को पता लग गया कि प्रोटीन ए और प्रोटीन बी आपस में इंटरैक्ट कर रहे ठीक है थीके? तो ऐसे आप पता करवा सकते हो कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है एक्साइटेशन वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू ब्लू लाइट इज प्रोवाइडेड टू डोनर तो ये करस्पॉन्डिंग टू ब्लू लाइट हमने डोनर को दिया उसने फिर क्या किया ये एक्साइट हुआ होगा डोनर मॉलिक्यूल और एक्स्ट्रा एनर्जी को उसने ट्रांसफर किया टू तो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल और फिर जो नेबरिंग एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा वो एमिशन वेवलन दिखाया दिखाएगा करस्पॉन्डिंग टू येलो लाइट ठीक है बहुत ही ईजी टॉपिक है ये तो ये सेल सिग्नलिंग में भी आप यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए कि अगला प्रोटीन कौन सा होगा सिग्नलिंग कास्केड में ठीक है तो ये भी आप पता करवा सकते हो ठीक है ये में भी दिया है सिग्नलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि आप ये टेक्निक को यूज कर सकते हो सेल सिग्नलिंग के कास्केड पढ़ने के लिए ठीक है एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रा ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल शुड ओवरलैप विद द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ डोनर मॉलिक्यूल फॉर द फ्रेट फिनमिनल टू अकर तो इसके पहले वाले स्लाइड और ये वाले स्लाइड ये दोनों स्लाइड से ही क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर इसके ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं ठीक है थीके? और जो पहले वाले स्लाइड्स थे उस पर डिस्टेंस एंड ऑल ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है तो ये दो कव है ठीक है फर्स्ट वाले ग्राफ में आप देख सकते हो फर्स्ट वाले ग्राफ में आप देख सकते हो डोनर को अपन ने एक्साइट किया ठीक है और एक्साइट करने के बाद वो कुछ एनर्जी है वो लिबरेट करेगा ठीक है उसने एनर्जी को लिबरेट किया एनर्जी कम हो गई एनर्जी कम होती है तो वेवलेंथ क्या होती है ज्यादा होती है तो डोनर मॉलिक्यूल की एमिशन वेवलेंथ भी होगी ठीक है उसके सराउंडिंग एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है ठीक है अगर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन वेवलेंथ एमिशन वेवलेंथ के साथ ओवरलैप नहीं करे ठीक है तो फ्रेट प्रोसेस नहीं होगा ठीक है तो अगर मान लो डोनर का एक्साइटेशन वेवलेंथ 540 नैनोमीटर है और उसका वेवलेंथ फाइव उसका एमिशन वेवलेंथ 580 नैनोमीटर है और एक्सेप्टर का एक्साइटेशन वेवलेंथ अगर 580 के आसपास ना हो तो फ्रेट की प्रोसेस या फिर फिनोमिनल नहीं चलेगी ठीक है यहां पे देखो यहां पे अगर डोनर का एक्साइटेशन वेवलेंथ 540 नैनोमीटर है और डोनर का एमिशन वेवलेंथ अगर 580 नैनोमीटर है और अगर एक्सेप्टर का एक्साइटेशन वेवलेंथ मान लो 570 नैनोमीटर है तो 580 और 570 क्या करेगा ओवरलैप करेगा ठीक है और ये ओवरलैप को हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम ओवरलैप इंटीग्रल एकदम ही इजी है ये ठीक है तो हम इस तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर नेट में दो बार क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है कि साइंटिस्ट को ये पता करवाना था कि दोनों प्रोटीन आ, कुछ तो क्वेश्चन था वो कि ऐसे आपको फ्लोरोसेंट डाई सिलेक्ट करने हैं कि उसके एमिशन वेवलेंथ एंड एक्साइटेशन वेवलेंथ ओवरलैप ना करे तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरोसेंट डाई कैन यू यूज टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन आए थे आपको बस एनालाइज करना था कि कौन सा ओवरलैप नहीं कर रहा है ठीक है तो इतना ईजी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन तो ईजी होते हैं लेकिन अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़े या फिर कंसेप्ट आपने नहीं पढ़े तो आपको वो कन्फ्यूजिंग लगते हैं या फिर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर टफ था तो ऐसा नहीं होता है अभी आपने ये कन्सेप्ट पढ़ा इसके ऊपर अभी आपने अगर पार्ट सी के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश की तो वो आपसे सॉल्व हो जाएगी ठीक है ये बात भी सही है कि कौन से कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कन्सेप्ट पढ़ के भी वो सॉल्व नहीं होते क्योंकि या तो उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है या फिर सही तरीका क्या होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का ये पता होना चाहिए उसके सिवा आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते तो ये मोस्टली जेनेटिक्स के क्वेश्चन में होता है न्यूमरिकल के क्वेश्चन में होता है ठीक है लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं लाइक फ्रॉम टेक्निक्स एंड ऑल वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं ठीक है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हुआ तो उसको भी प्रैक्टिस लगता है आर डी बेनबर्ग को प्रैक्टिस लगेगा ठीक है पेडिग्री एनालिसिस को प्रैक्टिस लगेगा ब्लड ग्रुपिंग के जो प्रोसेस है उसके लिए प्रैक्टिस लगेगा ठीक है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको प्रैक्टिस लगता है बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगता है ठीक है अमाइनो एसिड्स के प्रॉपर्टीज़ फिर उसके पी आई वैल्यू को कैलकुलेट करना प्रोटीन क्लीवेज के लिए फाइंड आउट करना ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस लगती है तो ये लेक्चर में इतना ही है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि ये पसंद आया होगा और अगर अपकमिंग एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है ठीक है तो अपने कोर्सेज भी मैंने लॉन्च करके रख दिए जिसमें मोर देन वन नाइन्टी प्लस स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड ठीक है जेनेटिक्स का कोर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है बहुत स्टूडेंट्स के हंड्रेड परसेंट रिव्यूज़ है पॉजिटिव वाले ठीक है उनको जो पहले वीक थे उनको अभी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है जेनेटिक्स और टेक्निक्स मैंने फिफ्टी प्लस टेक्निक्स कवर किए हैं इन ओनली एट हंड्रेड रुपीज़ ठीक है तो वो ऑफ़र अभी के लिए है फ्यूचर में वो बढ़ भी सकता है प्राइस ठीक है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो फ्री डेमो डेमोलेक्चर्स भी अवेलेबल है अपने एंड्रॉयड ऐप के ऊपर ये सब चीज़ों की लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ वीडियो के ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ गिव अ लाइक ठीक है आप कमेंट भी कर सकते हो अगर कोई डाउट होगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ठीक है और जो बेल आइकन होता है उसको भी आप प्रेस कर सकते हो ठीक है जो सब्सक्राइब के बाजू में होता है ताकि जब मेरे न्यू वीडियोस आए तो वो आपसे मिस ना हो ठीक है तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप्स एंड ऑल ठीक है So thanks for watching, see you in the next lecture.